हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। यदि आप लोग दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, आपका सपना है दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होने का, तो यह वीडियो सब सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि उसका वैकेंसी आ चुका है। पूरा डिटेल्स के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूरा प्रोसेस समझिएगा दोस्तों, वीडियो में पूरा प्रोसेस को बताऊँगा, ध्यान से समझना। फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा, कैसे फिलअप करना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इसमें पोस्ट जो दिया गया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दोनों के लिए है। मेल फीमेल दोनों वीडियो को देख रहे हैं, देख रही हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस को समझाऊंगा। आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, सही सुना, 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो रहेगा 31 अक्टूबर 2023 को रहेगा। इसमें आप जो अपना एप्लीकेशन का फीस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप पे कर सकते हैं या आपके ऊपर है दोस्तों। और चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात को बताता हूँ, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2023 से 2024 तक जाएगा दोस्तों, जनवरी महीने का। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। अभी से आप अपना तैयारी में लग जाइए, वैकेंसी तो आएगा ही आएगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी अपना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। वहीं पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जो स्टूडेंट जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं या करती हैं, उनको 100 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। एससी एसटी और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको या फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें दिव्यांग कैंडिडेट नहीं आएगा क्योंकि पुलिस में दोस्तों, पुलिस आर्मी में दिव्यांग कैंडिडेट का कोई भी रोल नहीं रहता है, उसके लिए अलग वैकेंसी निकाला जाता है। यदि आप भारत में कहीं से भी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यह आप लोगों के लिए बिल्कुल छूट है, आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में दोस्तों। चलिए और एज लिमिट के बारे में जानते हैं, तो 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका जो एज है वो रहना चाहिए। चलिए पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को जानते हैं दोस्तों। इसमें जो पोस्ट आ रहा है वो 6433 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। 6433 पोस्ट आप लोगों के लिए अलॉट हो चुका है, तैयारी में लग जाइए। चलिए और समझते हैं इसको, पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को। तो कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 4310 पोस्ट दिया गया है। जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2691 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़, उनके लिए 468 पोस्ट दिया गया है। ओबीसी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों 239 पोस्ट दिया गया है। 239 पोस्ट दिया गया है एससी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए। ऑल ओवर इंडिया 673 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। वहीं पर बात करेंगे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए, तो 239 पोस्ट उनके लिए भी है। ओबीसी और एसटी से में सेम पोस्ट है दोस्तों। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें, तो 2123 पोस्ट दिया गया है। इसमें जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1324 पोस्ट अलाट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस वाले को 231, ओबीसी को 118 और एससी वालों को भी 118 पोस्ट दिया गया है, लेकिन एसटी में 119 पोस्ट दिया गया है। वहीं सैलरी की बात करें तो 21700 से स्टार्ट होकर 69100 रुपये तक आपका मंथली सैलरी जो है वो रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको जान लेते हैं, तो सिंपल आप 12वीं पास रहना चाहिए, इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फॉर्म अप्लाई का डेट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लास्ट डेट भी ध्यान में रखिएगा जो कि 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका एसएससी का एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा दोस्तों। एसएससी के थ्रू आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट किया जाता है,
यहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी डेट नहीं आया है इसलिए मैं लिंक नहीं दिया हूँ, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट डाउनलोड कर सकते हैं, शॉर्ट नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह सिर्फ आप लोगों के लिए है। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियों को अपकमिंग हो या लेटेस्ट हो दोस्तों आप लोगों को पहले बताया जाता है चैनल पर। इसलिए चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी के मामले में हमारा चैनल सबसे आगे है, सबसे पहले न्यूज देता है। तो चलिए अगले वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।